देखा जब ख्वाब तो दीदार हुआ अल्लाह मियां देखा जब। हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पर ही होंगे। तो गाइस, आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस वीडियो को देखा, मैं गाइस देख रहा हूँ कि इस वीडियो को दोस्तों टिकटॉक में मुझे काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिल रहा है। तो गाइस, मैं उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के साथ कुछ इस तरह का वीडियो बनाकर अभी टिकटॉक पर अपलोड करोगे, जिस तरह का दोस्तों वीडियो आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में देखे हो, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूँगा कि आपका जो वीडियो है दोस्तों वीडियो वायरल होगा या फिर आपको उस वीडियो में लाइक्स आने के 100% चांसेस रहेंगे। तो गाइस, आपको अगर कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सीखना है तो मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा। गाइस, मैं आज आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन की हेल्प से आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो का आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे, ताकि दोस्तों अभी कुछ इस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपना लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे YouTube चैनल जे एस आर कलौंडा में। गाइस, अगर आप मुझे बकते हो या पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे दोस्तों आप पहली बार आए हो, तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सिलेक्ट कर ले, ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। अब गाइस, बिना किसी देर के चलिए वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो आपको बिहाइंड द सीन शूट करना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से गाइस चल के एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आप भी गाइस क्या कीजिएगा, कुछ इसी तरह से दोस्तों चल के एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन करना है। तो गाइस चलिए, आप अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों वहाँ पर जाकर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब गाइस, आपको बीच में यहाँ पर एक न्यू ओपटी फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले न्यू ओपटी फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे गाइस आप इसमें क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपका सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस, आपका जो टिकटॉक बनाने का एक्सपेक्ट रेशियो है वो है आपका 9:16 का। आपको दोस्तों 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा। अब गाइस, आपको क्या करना है, आपको दोस्तों राइट साइड में यहाँ पर जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है। और यहाँ से गाइस, आपको अपना पसंदीदा के बैकग्राउंड आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। मैं गाइस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ भी एक बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड है दोस्तों, उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस, आप क्या कीजिएगा, इस वाले बैकग्राउंड ड्यूरेशन दोस्तों आप कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। बढ़ा लेने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट तरफ आना होगा। आने के बाद दोस्तों, आपको इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पर गाइस मैंने उस लड़की का जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है दोस्तों उसको देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगा। डाउनलोड करके आपको इस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, जो आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। और यहाँ से गाइस, जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस, आपको लड़की का जो वीडियो है उसको आपको सिलेक्शन करना होगा। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो लड़की का ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है दोस्तों, उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, इस वाले बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे गाइस अब इसमें सिलेक्शन करेंगे, आपका जो वीडियो है दोस्तों कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अब गाइस, आप अपना वीडियो को स्लाइड कीजिएगा तो गाइस आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन दिखेगा, देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस वाले ग्रीन स्क्रीन को आपको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए दोस्तों, आपको उसी वाले वीडियो में आपको कुछ इस तरह से क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप उसमें क्लिक करेंगे, राइट साइड में आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेंगे, देख सकते हैं। और इसी ऑप्शन का अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कॉर्माकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कॉर्माकी में क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पर जो आपको की कलर सिलेक्शन करना है, और गाइस आप पहले इस जगह पर सिलेक्शन कीजिएगा, उसके बाद गाइस आप कुछ इस तरह से आप ग्रीन कलर को बढ़ा लीजिएगा। कुछ इस तरह से गाइस आपको ग्रीन कलर को बढ़ा लेना है, और गाइस यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर इनेबल करेंगे, आपका जो पीछे का बैकग्राउंड दोस्तों यहाँ पर दिखने लगेगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड है दोस्तों, मेरे वीडियो के थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको अपने वीडियो के बराबर में कुछ इस तरह से कर देता हूँ। कर देने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो में दोस्तों कुछ इस तरह से गाइस आपको इस जगह पे आना होगा। इस जगह पे आने के बाद गाइस, आप क्या कीजिएगा, आपको दोस्तों राइट साइड में जो लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसी वाले लेयर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। और गाइस, जो को फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस, जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए हो उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो को कुछ इस तरह से गाइस आप इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस, आपको इस वीडियो के ऑडियो को भी आपको कुछ इस तरह से आपको म्यूट कर देना होगा।
म्यूट कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पर और एक काम करना है दोस्तों, इस वाले वीडियो का दोस्तों को कलर फिल्टर चेंज करना है। कलर फिल्टर चेंज करने के लिए दोस्तों आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक करना है, और जैसे गाइस आप इसमें क्लिक करेंगे राइट साइड में आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखे देख सकते हैं, और इसी ऑप्शन का अगर स्क्रॉल करके आप नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कलर फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कलर फिल्टर में क्लिक करना है, और यहाँ पर गाइस आपको बेसिक कलर में क्लिक सिलेक्शन करना होगा, और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे B11 जो दिख रहा है देख सकते हैं, इसमें फ्रेंड्स आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे गाइस आप इसमें सिलेक्शन करेंगे आपका जो वीडियो है दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट और एक काम करना है, आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक करना है, और गाइस आपको लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी वाले 3 डॉट में क्लिक करके आपको यहाँ पे सेंड टू बैक ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे गाइस आप इसमें सिलेक्शन करेंगे आपका जो वीडियो दोस्तों इस वीडियो के पीछे चला जाएगा। अब दोस्तों अपना वीडियो अगर आप प्ले करके देखेंगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिख देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कुछ इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। अब गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करना है और आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता है आपको क्या करना है। अब गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।